तो यार जिन लोगों ने अपना अकाउंट बनाया था वजीर एक्स एप्लीकेशन के ऊपर और वहाँ से आप ट्रेड कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे थे सेल कर रहे थे, तो गाइज वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है इस टाइम पर। अगर आप अपने वॉलेट में डिपॉजिट ऐड कर तो वहाँ पर जो है डिपॉजिट ऐड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गाइज आपको पता है जो वजीर एक्स एप्लीकेशन है वो इस टाइम पर क्रैश हो चुका है, वहाँ पर आप लॉग इन भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। तो गाइज ऐसे में आपके सामने एक ही ऑप्शन है, आप चाहे तो बाइनेंस ऐप को यूज़ करके वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूं किस तरह से आप बाइनेंस ऐप को यूज करके केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, साथ में आप किस तरह से डॉज कॉइन या फिर बिटकॉइन इसके अलावा कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी को आप कैसे बाय कर सकते हैं सेल कर सकते हैं, और साथ में आपको बताऊंगा INR किस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरह से आप बाइनेंस ऐप को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं बाइनेंस ऐप पर क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं सेल कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो एप्लीकेशन देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर बाइनेंस है और दूसरा एप्लीकेशन है बाइनेंस जैक्स। तो दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाइनेंस जैक्स में आपको पीयर टू पीयर बिजनेस करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ से आप बाइनेंस ऐप के थ्रू डायरेक्टली आप बाई कर सकते हैं डॉज कॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जैसे आप बाइनेंस ऐप यहाँ पर ओपन करेंगे तो भाई अगर आप न्यू यूजर है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपको साइनअप करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वहां पर आपको इसको फिल कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन यहां पर विजिबल हो जाए, यहां पर आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं अगर आप इंडिया से या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल से, तो यहां पर क्या होता है आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपको करने के, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो सिंपली आपको पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और आपका वेरिफिकेशन विद इन 1 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है यानी इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड पोर्ट्रेट फोटो। तो सिंपली आपको अपना फेस यहाँ पर कैमरे के सामने कर लेना है और यहाँ पर आपको एक पिक्चर आपकी क्लिक करके यहाँ पर सेंड कर देनी है, ये आपका यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया डोंट यूज़ ब्यूटी फोटो, डोंट वेयर हैट्स, डोंट मेकअप एंड डोंट टेक स्क्रीनशॉट। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है, सिंपली जो भी आपका फोटो है यहाँ पर आपको क्लिक करके इंस्टेंट और यहाँ पर ओके कर देना है। तो गाइस उसके बाद आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा और बाइनेंस ऐप में आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो गाइस बाइनेंस ऐप लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से बाय कर सकते हैं, वो भी INR के थ्रू। यहाँ दोस्तों कोई भी आपको यहाँ पर USD परचेस नहीं करना है, जस्ट INR के थ्रू आप यहाँ पर आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर डॉज कॉइन यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और अप टू डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है प्राइस में, तो वो कोई डजेंट मैटर, वो तो अप डाउन चलता रहता है मार्केट में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है डॉज कॉइन, यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर मिल जाएगा आपको डॉज कॉइन, यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉज कॉइन का जो प्राइस इस टाइम पर 0.33 सेंट है। जी हाँ दोस्तों, $1 ही है, 0.33 सेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको सिंपली बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो गाइस यहाँ पर आपको क्वांटिटी यहाँ पर टाइप करना है, कितना डॉज कॉइन आप यहाँ पर बाय करना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डॉज कॉइन इज इक्वल 0.33 सेंट। जी हाँ दोस्तों, 33 सेंट का एक डॉज कॉइन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आपको करना है, सबसे पहले आपको जितना क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना है, तो लाइक यहाँ पर मैं 100 डॉज कॉइन बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ, डॉज कॉइन मैं यहाँ पर 100 बाय कर लिया। तो उसके बाद बाय डॉज पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक। या दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करना, जैसे यहाँ पर एक बार क्लिक करना है कन्फर्म, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जो भी इंटरनेशनल कार्ड यहाँ पर यूज़ करें, मैं ये बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कार्ड की, क्योंकि यहाँ पर क्लासिक कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है लास्ट, और यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है और कार्ड नंबर NCVV जो नंबर होता है लास्ट में 4 डिजिट वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो चलिए वही मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यार इस तरह से आपको अपने कार्ड का डिटेल यहाँ पर ऐड कर देना है, उससे क्या होगा आप जितना भी यहाँ पर डॉज कॉइन बाय करेंगे और आपका अमाउंट यहाँ पर USD में आएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से जो भी अमाउंट कट होएगा
वो यहाँ से यूएसडी में कट होएगा, यानी कि यूएसडी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एज इंडियन रुपीज़। आपका 3 USD या फिर 5 USD कट होता है तो उसी को आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके काउंट कर सकते हैं कितना होता है, उसी के हिसाब से आपके अकाउंट से यहाँ से पैसा जो है डिपॉजिट हो जाएगा, वॉलेट में आपके ऐड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना कार्ड का डिटेल ऐड कर देना है, उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछेगा लास्ट नेम और सिटी और यहाँ पर सिटी में जो भी आपका रीजन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आप इंडिया से तो यहाँ पर आप इंडिया डालेंगे, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। बस गाइस आपको इतना ही डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपका जो अमाउंट आपके अकाउंट से यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा आपके वॉलेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बाइनेंस ऐप में ट्रेडिंग करते टाइम तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।